नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो हमारी शिक्षिका साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षिका साथियों को बाल्य देखभाल अवकाश मिलता है जो मानव क्षमता पोर्टल पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊँगा किस तरह से आप CCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से अपने CCL यानी बाल्य देखभाल अवकाश को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, बाल्य देखभाल अवकाश को अप्लाई करने के लिए आपको तीन चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये हमारा फॉर्म है प्रसूतिकालीन अवकाश और बाल्य देखभाल अवकाश का आवेदन प्रपत्र। आपको ये आपके BRC पे इजीली मिल जाएगा, और अगर आपको BRC पर नहीं मिलता तो आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल सर्च करने पर भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें कौन कौन से कॉलम है। सबसे पहले आवेदिका का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद पदनाम, फिर कार्यभार, विद्यालय का नाम, फिर विकास खंड, फिर जन्म तिथि, फिर सेवा में आने की तिथि, कब आपकी जॉब लगी, उसके बाद वेतन, फिर अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक अपेक्षित है, आपको किस दिनांक से किस दिनांक तक अवकाश चाहिए, उसके बाद अवकाश मांगे जाने का कारण यानी अभिलेखीय साक्ष्यों सहित। तो अवकाश मांगने के कारण में आपको क्या क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कारण क्या हो सकता है, या तो आपका बच्चा छोटा हो, बच्चा देखभाल हेतु, या आपके बच्चे के बोर्ड के एग्जाम हो, आप बोर्ड के एग्जाम बीच में लिख सकते हैं। अगर आप इसमें बच्चा छोटा होना कारण लिखते हैं, 18 साल से कम उसकी देखभाल के लिए ले रहे हैं, तो आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा, जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा और एक एफिडेविट लगाना होगा। और अगर आप CCL ले रहे हैं अपने बच्चे की बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो बच्चे का एक तो आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ उसके बोर्ड का रोल नंबर। हो सकता है अभी बोर्ड का रोल नंबर ना मिला हो, तो आप उसके जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं या आपके प्री बोर्ड हुए हैं उसका रोल नंबर भी आप लगा सकते हैं, तो इसमें आपको लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट है अवकाश की अवधि। अवकाश की अवधि में आप कहां रहेंगे, उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, उसके बाद 11 नंबर पे है पिछली बार अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक लिया गया था और उसकी प्रकृति, इसमें आपको लिखना है पिछली बार आपने बाल्य देखभाल अवकाश कब लिया था या जो भी अवकाश ले रहे हैं और उसकी प्रकृति क्या थी, वो बाल्य देखभाल अवकाश था, आपका प्रसूतिकालीन अवकाश था, क्या अवकाश था, वो इसमें लिखेंगे। इसके बाद आवेदिका का नाम, पदनाम और दिनांक सहित यहाँ पर आप लिख देंगे, और इसके साथ साथ इसमें प्रधान अध्यापक की अभ्युक्ति और संस्तुति, हस्ताक्षर सहित आप प्रधान अध्यापक की संस्तुति कर देंगे। तो ये आपका पहला फॉर्म हुआ जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। दूसरा फॉर्म है हमारा अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आपको अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, एक 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप बाल्य देखभाल अवकाश का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसका प्रारूप ये आपको दे देंगे, आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तो आप उनसे कह देंगे कि मुझे बाल्य देखभाल अवकाश का स्टाम्प बनवाना है, तो वे मैटर भी उनके पास होता है, वे अपने आप आपको बना के दे देंगे। ये इसका फ्रंट हुआ और ये इसका बैक हुआ। तो इस तरह से आपको 4 चीज की जरूरत पड़ेगी। अब करना क्या है आपको, इस फॉर्म को आप कंप्लीट कर लेंगे। इस फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद प्रधान अध्यापक की हस्ताक्षर या संस्तुति इस पे करा लेंगे, मोहर लगवा लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इन चारों डॉक्यूमेंट्स की, चाहे तो ये डॉक्यूमेंट्स हो, और अगर आप बच्चे की बोर्ड एग्जाम्स के लिए ले रहे हैं तो बच्चे की जो उसका रोल नंबर है प्री बोर्ड का उसको लगा दीजिए। उसके बाद आपको इनकी एक PDF बनानी है। अब इनकी PDF किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आप अपने मोबाइल में एक ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पर आप लिखेंगे डॉक स्कैनर, DOC, आप डॉक लिखेंगे, डॉक स्कैनर, और ये आपके सामने आ जाएगा डॉक स्कैनर। अगर
यहाँ पर आपका आपने नहीं लिखा तो आप अब इंस्टॉल लिखा होगा, वरना ओपन लिखा होगा, अगर अपडेट लिखा हुआ है तो इसको आप अपडेट कर देंगे। आपको इसको इंस्टॉल करना है डॉक स्कैनर को। देखिए मैंने इसे अपडेट नहीं हुआ था तो मैंने इसको साथ साथ भी कर दिया है। अपडेट करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे और अब हम इसकी पीडीएफ बनाएंगे। इस तरह से पीडीएफ बनाएंगे, देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, एक मिनट से भी कम समय में ये आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया डॉक स्कैनर। अब हम इसको ओपन करेंगे, थोड़ा सा समय इसमें लग रहा है, कभी कभी नेट की कनेक्टिविटी वैसे या इंस्टॉल होने समय लग जाता है, तो इसका थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए आप, जस्ट एक मिनट, इससे ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। ये हमारा हो गया, अब इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद डॉक स्कैनर का इनका इस तरह से आएगा आपके सामने। तो इसमें आपको करना क्या है, हो गया है, एक बार फिर दोबारा से ओपन करके देख लेते हैं क्या समस्या हुई इसमें। ये ओपन हो गया आपका डॉक स्कैनर। अब आपको एक पीडीएफ बनानी है, तो इसमें आपको एक तो कैमरा नजर आ रहा होगा, सबसे पहले आप इन चारों डॉक्यूमेंट्स के फोटो खींच लीजिए साफ से अपने मोबाइल में। फोटो खींचने के बाद आपको गैलरी में जाना है, जो कैमरा है कैमरे से डायरेक्ट भी फोटो खींच सकते हैं या गैलरी से, गैलरी से आप फोटो चूज कर लेंगे क्रम से। मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, यहाँ जो कैमरे की बराबर में गैलरी है इसमें हम चूज करेंगे। और चूज करने के बाद हम चारों डॉक्यूमेंट्स को देखिए, सबसे पहले मैंने एक फॉर्म लिया जो हमने भरा हुआ था, मैं खाली ले रहा हूँ, आपको भरा लेना है। उसके बाद हमने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद हमने इसकी दोनों कॉपी, हमने चार डॉक्यूमेंट्स ले लिए। उसके बाद जहाँ पर डन लिखा हुआ है सबसे नीचे देखिए, जहां पर डन लिखा हुआ है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने फॉर्म को जितना छोटा बड़ा करना है उसको आप इस तरह से छोटा बड़ा कर लीजिए, क्योंकि आपको पीडीएफ का साइज 150 तक ही रखना है, तो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। फोटो थोड़ा साफ खींचिए, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं आया हुआ है तो आप थोड़ा फोटो को साफ खींचिए, ये मैंने ले लिया। उसके बाद देखिए नीचे सबसे नीचे एरो का निशान है, उससे बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा दूसरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स में हम इसको इस तरह से छोटा बड़ा करके ले लेंगे, ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपके सामने एक एफिडेविट आ जाएगा। ये देखिए हमने एफिडेविट ले लिया है, इसको छोटा बड़ा जितना आपको करना है ये हमने कर लिया। उसके बाद नीचे एरो का निशान है, इससे हमने फिर इसे बड़ा किया। उसके बाद हमने चौथा डॉक्यूमेंट्स लिया, ये हमने चौथा डॉक्यूमेंट्स ये ले लिया है, इसको जितना बड़ा करना है उतना हम कर लीजिए, और ये हमने कर लिया, चार डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद सबसे नीचे राइट का निशान है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा ऐड आता है इसमें, तो इस ऐड को क्रॉस कर देंगे। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से ऐड को हमने क्रॉस कर दिया तो हमारे आगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ओपन पीडीएफ, आप पीडीएफ को ओपन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें आएगा आपका क्रिएट पीडीएफ फॉर एंटायर डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स के आपके लिए पीडीएफ बनानी है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो ये पीडीएफ बनकर आपके सामने आ गई है, इसमें वाटरमार्क लगा हुआ है, मैं वाटरमार्क को हटा देता हूँ। अब ये हमारी पीडीएफ बन के आ गई है, देखिए अब आपको पीडीएफ को सेव करनी है। ये आपकी 455 केबी की बन के आई है, साइज में बराबर में लिखा हुआ है 455 केबी, लेकिन हमें साइज चाहिए 150 केबी, तो इसको हमें घटाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कंप्रेस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कंप्रेस है, कंप्रेस पे हमने क्लिक किया और जहां पर हाई लिखा हुआ है इसे हम ऐसे करते चले जाएंगे, तो देखते हैं कितनी घट गई हमारी, अब हमारी 256 हो गई। उसके बाद फिर कम करेंगे, उसके बाद 160 हो गई हमें, उसके बाद फिर कम करेंगे तो ये हमारी 160 ही है अभी, देखिए ये हमारी 160 की बनी है। आप इसको अगर 160 की बनी है तो इसको आप 150 तक कर लीजिए, 150 तक कर लेंगे और इसको यहां पर भी नहीं हो रही है तो इसको और इसके किनारे और थोड़े छोटे कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको साइज करने के बाद फिर इसको सेव करना है, यहां पर मैंने सेव किया और सेव करने के बाद माई डॉक्यूमेंट्स पे मैं सेव करता हूँ, माई डॉक्यूमेंट्स पे, और इसका कुछ अब इसका टाइम और नोट कर लेता हूँ। मैंने टाइम नोट कर लिया, 9:27 हो रहे हैं और डेट टाइम नोट कर लेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा ये काम खत्म हो गया, हमारी पीडीएफ हमारी बन गई है। अब
बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है। मानव सभ्यता पोर्टल को ओपन करेंगे, उसके लिए हम अपने क्रोम ब्राउजर को जाएंगे। क्रोम ब्राउजर पे जितने भी हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे हमें लिखना है मानव सभ्यता, MANAV मानव सभ्यता हमने लिखा, निकल के आ गया। अब देखिए मानव सभ्यता आदेश पे हम क्लिक करेंगे और आदेश पे क्लिक करने के बाद EHRMS लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट डिपार्टमेंट में बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूज़र आईडी में आप अपनी यूज़र आईडी जो भी आपकी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड हम फिलअप कर देंगे। देखिए ये हमने फिलअप कर दिया। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा मानव सभ्यता पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसमें हमें लीव मॉड्यूल पे जाना है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर लीव मॉड्यूल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और माई लीव पे क्लिक करके इसको इधर से स्क्रोल कर लेंगे और अप्लाई लीव पे क्लिक करना है हमें। अप्लाई लीव पे हमने क्लिक किया। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफिसर की। अगर आप रिपोर्टिंग ऑफिसर, वैसे तो सभी जो आप सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक को रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने प्रधान अध्यापक को बनाना है, लेकिन अगर आपके प्रधान अध्यापक इस लायक नहीं है कि वे उसको फॉरवर्ड कर सके, क्योंकि प्रधान अध्यापक को जब आप CCL के लिए भेजेंगे तो प्रधान अध्यापक को उसको फॉरवर्ड करना होगा BEO सर को, लेकिन कुछ प्रधान अध्यापक नहीं कर पाते या करना नहीं चाहते, तो आप सीधे BEO सर को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बना लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, या आपने रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया, अब देखिए आपको लीव के लिए अप्लाई करना है। ये आपके सामने खुल के आ गया है। आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप साइट में भी कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप साइट पे कर देता हूँ। साइड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके फॉर्म सामने फॉर्म निकल के आ जाएगा। इसमें आप रिपोर्टिंग ऑफिसर अपना चूज कर लेंगे। उसके बाद लीव टाइप में आप CCL पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखिए फ्रॉम डेट, किस डेट से आप इसको लेना चाहते हैं आप इसमें डेट लिख देंगे। मान लीजिए आपको एक महीने के लिए लेनी है तो आप मान लीजिए 3/3/2021 से आपको 4/3/2021 तक आपको लेनी है। तो इसे मार्च है तो इसको मैं अप्रैल करता हूँ, ज़्यादा हो गया अप्रैल, तो मुझे 2 तक लेनी है, 2/4/2021 तक, यानी 31 दिन की CCL हमें लेनी है। इस तरह से आप इस पर लिख देंगे किस डेट से किस डेट तक आपको लेनी है। उसके बाद नंबर ऑफ डेज आपके आ गए। लीव प्रीफिक्स यानी सैटरडे संडे और एनी हॉलीडे, जिस दिन आप ले रहे हैं आप देख लीजिए उससे पहले कोई छुट्टी तो नहीं है, अगर है तो उसमें लिख देंगे कौन सी छुट्टी है, कितने दिन की छुट्टी है, एक दिन की, दो दिन की। अगर छुट्टी नहीं है तो आप 00 लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद लीव सफिक्स डे, यानी जब आपकी छुट्टी खत्म हो रही है उसके बाद कोई दिन ऐसा पड़ रहा है जिसमें छुट्टी हो या नहीं, अगर नहीं है तो या 00 लिख देंगे, वरना यहाँ पर जितनी छुट्टी है आपकी, संडे है, सैटरडे है, दो दिन की छुट्टी है 2 लिख देंगे, एक दिन की छुट्टी है 1 दिन के लिए। ग्राउंड ऑन विच लीव इज अप्लाइड फॉर, इसमें ग्राउंड आप लिख देंगे, इसमें लिख देंगे फॉर केयरिंग चाइल्ड, केयरिंग माई चाइल्ड, या आप फॉर बोर्ड एग्जाम लिख देंगे, फॉर बोर्ड एग्जाम ऑफ माई चाइल्ड। उसके बाद स्टेशन लीव रिक्वायर्ड, नो आपका अपने आप आएगा। उसके बाद आप एड्रेस लिख देंगे, यहाँ पर अपने जिले का आप नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपलोड अटैचमेंट, अपलोड अटैचमेंट पे क्लिक करना है। चूज फाइल, यहाँ पे आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएंगे फाइल्स। ये आपको फाइल्स में से इसको जो आपने PDF बनाई थी उसको यहां से अपलोड कर लेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहां पर आपकी फाइल निकल के आ जाएंगी। तो आपने कौन कौन सी अभी जो आपने फाइल ली है उसको आप इसमें ढूंढ लेंगे। देखिए मेरी फाइल मैनेजर में मिलती है, सबके मोबाइल का अपना इतना हिसाब होता है। देखिए मैं डॉक्यूमेंट्स में उसको अपलोड कर लूंगा। देखिए मैं अपना देखता हूँ कौन सा है वो जो मैंने अभी किया है।
तो इसमें आप अपना चूज कर लीजिए, मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चूज किया, इस तरह से आप इसको चूज कर लीजिए। ओके मैंने कर दिया है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपका चूज हो गया है। देखिए लिखा यू कैन अपलोड फाइल अप टू 2 MB, 2 MB से कम की आपको फाइल लेनी थी तो आप इसमें फाइल को छोटा कर लेंगे, वो मैंने बता दिया था आपको किस तरह से 160 की, तो आप उसको जो मैंने अभी की है, देखिए अभी फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहां पर डाउनलोड भी नहीं, ये मेरी इसमें मिलेगी, जहां पर भी आपको अपनी फाइल मिले उसको, मेरी डॉक्यूमेंट्स में मिलती है वैसे ज्यादातर। देखिए मैं देखता हूं कौन सी मेरी डॉक्यूमेंट्स में फाइल थी, उसका आप नाम भी लिख दीजिए फाइल का, तो उसमें आपका बेटर रहेगा, आपको ढूंढने में थोड़ी सी आसानी होगी। मैंने इसमें नाम नहीं लिखा है, तो देखिए ये मेरी फाइल थी, मैं यहां पर इस पर क्लिक कर देता हूं, ये मेरी फाइल थी 3 मार्च की, 3 मार्च इसमें लिखा हुआ आ गया है और मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। तो इस तरह से ये हमारा अपलोड अटैचमेंट आ गया। अपलोड अटैचमेंट करने के बाद उसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी लीव सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगी और 2 से 3 दिन में, आप इंतजार कर लीजिए 3-4 दिन, तब आपकी लीव का स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि आपकी लीव एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई। आपके विद्यालय में अगर पर्याप्त शिक्षक हैं और आपने अच्छे तरह से अप्लाई की है तो गारंटी है इस बात की वो आसानी से अप्लाई हो जाएगी, इसमें आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक नहीं है और उसके बाद भी आपको लीव चाहिए तो आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। आप जानते हैं किस तरह का प्रयास आपको करना होगा, उसको आप प्रयास कर लीजिए तो आपकी लीव आसानी से हो जाएगी। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।